नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्राची गक्खर और आप सभी का पूरी प्रोफाउंड राइटर्स टीम की ओर से स्वागत करना चाहूंगी आज की इस खास वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे बुद्ध जयंती के महत्व के बारे में। लगभग 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को बोधगया में बौद्धि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो बन गए सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। कहते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वैशाख मास की पूर्णिमा को हुई थी, इसलिए बौद्ध धर्म के अनुयायी हर साल वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। ये भी कहा जाता है कि इस तिथि पर भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निधन हुआ था। भगवान बुद्ध को श्री हरि विष्णु का नौवा अवतार माना जाता है, इसलिए बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। तो आइए गौतम बुद्ध के एक श्लोक का उच्चारण एवं उसके अर्थ को समझते हैं। न चैष धर्मो वनये एव सिद्धः पुरेति सिद्धि नीर्यता यतीनां बुद्धिश्च यत्नश्च निमित्तम अत्र वनम च लिंगम च ही भीरु चिन्हम। अर्थात उद्धार केवल जंगलों में ही नहीं होता, एक शहर में भी तपस्वियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विचार और प्रयास ही सही साधन है, जंगल और उपाधि कायरता के संकेत है। तो आशा करती हूँ आपको आज की बुद्ध पूर्णिमा का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और भविष्य में आप हमारी प्रोफाउंड राइटर्स की टीम से किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।